सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या बीएड की सेविंग करने से जो बीएड की ग्रोथ होती है वो जल्दी होती है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो 20 साल के कम बच्चे वाले होते हैं वही लोग ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि उनके जो आस पड़ोस वाले होते हैं ना, उनको ये सलाह देते हैं कि भाई तुम अपनी दाढ़ी की सेविंग करवा लो, आपकी दाढ़ी जल्दी आ जाएगी, फिर आपको लड़की बताने में आसानी होगी। भाई मैं भी क्या क्या बोल रहा हूँ इस वीडियो में। तो सीधी बात, नो बकवास, आते हैं सीधे वीडियो के टॉपिक पे कि क्या बीएड को सेव करने से हमारी बीएड की ग्रोथ जल्दी होती है। तो ये मेरी एक फ़ोटो है जब मैंने अपनी बीएड की सेविंग की थी। मुझे भी पास पड़ोस वाले जो थे, बच्चे थे जिनकी हल्की फुल्की बीएड आ गई थी ना, पैची बीएड, पता नहीं जैसे यहाँ पे बीएड रहती है यहाँ पे नहीं रहती है, वैसी बीएड जिनकी आ गई थी, वो हमें सलाह दे रहे थे कि भैया तुम भी बीएड की सेविंग करवा लो, तुम्हारी बीएड जल्दी आ जाएगी। और उन्हीं लोगों के चक्कर में मैंने 2-3 बार अपनी बीएड की सेविंग करवा ली और मेरी बीएड की हालत अभी क्या हो गई अपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। तो ये उसी के कारण है कि मैंने अपनी बीएड की सेविंग करवा ली। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि क्या वाकई में बीएड आती है या नहीं आती है। तो छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे, पहले मैं इसको बगल में रख देता हूँ। तो एग्जाम्पल ये है कि जैसे एक छोटा सा पौधा है, अब हमको उसको जल्दी बड़ा करना है तो हम क्या करते हैं, उस पौधे को काट देते हैं नीचे से। काटने से वो जल्दी बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। अगर पौधे को जल्दी से बड़ा करना है तो उसमें खाद पानी अच्छे से देना पड़ेगा और उसको एक अच्छा, उसके अनुकूल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वो पौधा जल्दी से ग्रोथ करेगा और हमें फल देगा। बेसिकली दाढ़ी से तो हमें कोई फल लेना नहीं है। लेकिन यही एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर भी लाता हूँ कि अगर आपकी बीएड हल्की हल्की आ रही है और लोगों के कहने पर अपनी बीएड की सेविंग करवा लेते हैं, तो बीएड क्या फिर उसके बाद आएगी आपकी? नहीं आएगी। जैसे एक पौधा काट देने पे फिर वो बड़ा नहीं होता जल्दी, और वो उसी हिसाब से बड़ा होता है जिस हिसाब से उसको बड़ा होना, उसी हिसाब से आपकी बीएड भी है। बीएड की सेविंग करने से, फालतूगिरी करने से आपकी बीएड की ग्रोथ जल्दी नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये बात है, जैसे पौधा है, अगर उसको बीज से या फिर जड़ से उसको जब हम लोग काट देते हैं तो पौधा क्या होता है, बढ़ता तो जल्दी नहीं है, लेकिन हाँ वो नीचे से थोड़ा मोटा हो जाता है। तो अगर आपकी बीएड थिन है, ज़्यादा थिन है, तो आप सेविंग करके अपनी बीएड को जो है वो थिक कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी बीएड की ग्रोथ सेविंग करके नहीं कर सकते हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, अभी कुछ लोग फालतू में कमेंट में आके हमको समझाने लगेंगे कि भाई तू क्या बोल रहा है। मैंने 3-4 बार ये ट्राई भी कर लिया है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे फोटो भी देख सकते हैं, जो 1-2 बार की फ़ोटो होगी अगर मैंने खींचोगी तो मैं लगा दूंगा यहाँ सामने, आप देख लीजिएगा। मैंने सेविंग करी थी और उसके बाद मेरी बीएड नहीं आई थी। अब ये जो हल्की फुल्की बीएड आई है, ये उस्तरा बीएड ग्रोथ ऑयल यूज़ करने के बाद आई है, और वो भी मैं 3 महीने से लगातार यूज़ कर रहा हूँ। इस पर वीडियो बनाई है, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये बीएड बड़ी करके लड़की पटाने की फालतूगिरी छोड़िए, नहीं तो आपके कम एज में ही बीएड लाने के चक्कर में आपका जो बीएड है वो पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है, फिर आपकी शादी भी नहीं होगी, मुश्किल से होगी बहुत। तो इसीलिए फालतूगिरी बंद करिए। और कोई अगर आपसे ये कहता है बकवास की बीएड उसको छिलवा लो, उसको साफ़ करवा लो, उसके बाद बीएड जल्दी आ जाएगी, तो ये पूरी तरह से बकवास है। मैं इसका एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर चुका हूँ और मैंने बीएड के ऊपर वीडियोज़ भी अपने चैनल पर अपलोड किए, जाके वहाँ पर आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर जो बंदे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अबे साफ हो गई क्या? Hold me close till I get up. Time is barely on our side.